बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नए साल में कोरोना संक्रमण से जंग जीत कर अपने घर पहुंचे। बीते दिन पटना में उनके आवास पर उनके परिजनों और पार्टी के कई नेताओं ने उनका बेसब्री से इंतजार किया। जीतन राम मांझी के घर लौटने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी बुरी नजर उतारी। स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच दोबारा पहुंचे जीतन राम मांझी काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने पटना के एम्स प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है और कहा है कि अस्पताल में उनका काफी ख्याल रखा गया। वहीं मांझी ने एम्स के डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि वो सही होकर वापस लौट आएंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी बीते 13 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। खुद उन्होंने ही ट्वीट कर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी साझा की थी। इसके बाद 4 दिनों तक वे अपने घर पर रहे, लेकिन तबियत बिगड़ जाने पर डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया। उनके साथ ही परिवार में बहू और पोती को भी कोरोना संक्रमित पाया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों मांझी ने अरुणाचल के मुद्दे पर बीजेपी को चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक बीजेपी में जा मिले, उसको लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसकी निंदा भी की और साथ ही साथ बीजेपी को कहा कि सचेत रहें, ऐसी गलती दोबारा ना हो। वहीं आपको बता दें कि जीतन मांझी ने ट्वीट कर कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। नीतीश कुमार को कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता है कि हम पार्टी मजबूती से उनके साथ है।